आजही 24 तास एक पाऊल पुढे। गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आज नवी दिल्लीत जाऊन भाजप अध्यक्ष राजनाथ सिंग यांची भेट घेतली। या दोघांनी दीर्घकाळ चर्चा केली। सिंग यांनी अध्यक्षपद स्वीकारल्यानंतर मोदी प्रथमच त्यांना भेटले। माजी अध्यक्ष नितीन गडकरी आणि मोदींमध्ये काहीसा बेबनाव असल्याची चर्चा होती। राजनाथ सिंगांच्या नावावर पक्षात एकमत झाल्यानंतर मोदींनी तातडीनं ट्विटरवर त्यांचं अभिनंदन केलं होतं। पंतप्रधान पदाचे उमेदवार म्हणून मोदींच्या नावाची पक्षात आणि बाहेरही चर्चा सुरू आहे। या पार्श्वभूमीवर राजनाथ मोदी यांची ही भेट महत्वाची मानली जाते। जिस दिन मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुआ था उसी दिन नरेंद्र भाई का टेलीफोन मेरे पास आया था। उन्होंने मुझे हार्दिक बधाई दी टेलीफोन के माध्यम से। उन्होंने कहा कि मैं स्वयं दिल्ली आकर जो है आपको बधाई देना चाहूंगा, अपनी शुभेच्छा देना चाहूंगा। आज के दिन वह यहां पर आए हैं, हम लोग बैठे घंटे डेढ़ घंटे दो घंटे बैठे और गुजरात के बारे में भी चर्चा हुई। लेकिन 2014 का भी लोकसभा चुनाव है तो 2014 के लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भी हम लोगों ने चर्चा की। गुजरात में मुझे आगे क्या करना चाहिए, सरकार के संबंध में उनको कोई सुझाव हो, उनका मार्गदर्शन हो, उस विषय में भी मैंने उनसे मार्गदर्शन मांगा है, मिला है। और उनके नेतृत्व में हम गुजरात में अधिक से अधिक भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर सकें। भारतीय जनता पार्टी गुजरात इकाई देश की सेवा करने में भी पूरी तरह काम आए, उसके लिए विस्तार से चर्चा आदरणीय राजनाथ सिंह जी से हुई है। 2014 की विस्तार से चर्चा हुई है, बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। 24 तास एक पाउल पुढ़े।